सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Essential Infinity में। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इन लॉज को न्यूटन ने डिराइव नहीं किया था। न्यूटन ने काफ़ी सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स का विश्लेषण किया और कुछ लॉजिकल कंक्लूजन निकाले, जिनको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है। यह लॉज क्लासिकल मैकेनिक्स की बेसिक फाउंडेशन है और अगर हम हाई स्पीड या स्मॉल साइज के साथ डील करते हैं तो न्यूटन लॉज में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर फोकस करेंगे। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वह अपनी गति नहीं बदलेगी। न्यूटन्स लॉज की स्टेटमेंट जितनी आसान है, समझने में ये उतनी आसान नहीं है। समझने में जो दिक्कत आती है उसका कारण है कॉमन सेंस। सभी लोगों में कॉमन सेंस बनी हुई है कि अगर हम किसी वस्तु को धक्का लगाकर छोड़ दें तो वह खुद थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, लेकिन यह सत्य नहीं है। वह तभी रुकेगी जब कोई बाहरी बल लगेगा। तो चलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिटेल में समझते हैं। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार हर वस्तु अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन तब तक नहीं बदलेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगे। जैसे अगर एक फुटबॉल धरती पर पड़ा हुआ है तो वह वहीं पर रहेगा, और अगर कोई फुटबॉल गति में है तो वह गति में ही रहेगा जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगता। चलिए इसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है और नेट फोर्स जीरो है तो वह हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। हम देख सकते हैं वस्तु का वेट mg और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और वस्तु रेस्ट में ही है। सेकंड पार्ट, अगर कोई वस्तु मोशन में है और नेट फोर्स जीरो लग रही है तो वह हमेशा मोशन में ही रहेगी। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल 2 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है तो वह हमेशा 2 मीटर प्रति सेकंड से ही मूव करता रहेगा। लेकिन यह बात थोड़ी हजम नहीं होती, क्योंकि आज तक हमने जब भी किसी वस्तु पर फोर्स लगाई है तो वह वस्तु हमेशा थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम किसी कार को एक बार फोर्स लगाते हैं तो वह सड़क पे थोड़ा दूर जाकर रुक जाती है, लेकिन अगर उसी कार को बर्फ वाली सड़क पर सेम वैल्यू की फोर्स लगाते हैं तो वह ज़्यादा दूर जाकर रुकती है। इन दोनों केसेस में अंतर है फ्रिक्शनल फोर्स का। चारकोल रोड पे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, लेकिन बर्फ वाले रोड पे कम फ्रिक्शन होता है। अगर हम फ्रिक्शन को पूरी तरह से हटा दें तो कार कभी नहीं रुकेगी। मान लीजिए मैं एक एस्ट्रोनॉट को आउटर स्पेस में धक्का दे देता हूँ तो वह हमेशा के लिए गति में रहेगा जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगता, क्योंकि आउटर स्पेस में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस है। ऐसे एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर नेट फोर्स नहीं लगेगी तो वह वस्तु हमेशा रेस्ट पे रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स नहीं है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन जीरो। मान लीजिए एक टैक्सी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है और आप अपनी कार से उसको ओवरटेक करते हैं जिसकी कॉन्स्टेंट स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए किस कार पर ज़्यादा नेट फोर्स लग रही है? आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। जिन्होंने सॉल्व कर लिया उनको बधाई। इस क्वेश्चन का की पॉइंट है नेट फोर्स। अगर कॉमन सेंस से सोचें तो लगेगा तेज कार के ऊपर ज़्यादा नेट फोर्स है, लेकिन दोनों कारों की वेलोसिटी कांस्टेंट है और न्यूटन के पहले नियम के अनुसार दोनों के ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक स्केटर ट्रक की छत पे रोलर स्केट्स के साथ खड़ी है। शुरू में ट्रक की वेलोसिटी जीरो है, मतलब ट्रक रुकी हुई है, लेकिन जब ट्रक एक्सेलरेट होती है तो स्केटर पीछे की तरफ मूव करने लगती है रिलेटिव टू द ट्रक। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं जिसमें ट्रक शुरू से किसी वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, लेकिन जब ट्रक धीरे धीरे रुकने लगता है या डिसेलरेट होने लगता है तब स्केटर आगे की तरफ मूव करने लगती है रिलेटिव टू द ट्रक। इस उदाहरण को देखकर लग रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ओबे नहीं हो रहा है, क्योंकि स्केटर के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही फिर भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ क्या गलती है? पॉइंट यह है कि ट्रक एक्सेलरेट कर रही है
और यह एक सूटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। वैसे तो पृथ्वी भी रोटेशन के साथ एक्सेलरेट होती है, लेकिन वह बहुत कम है। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आपके देखने का नज़रिया, आप किस पोजीशन से देख रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ का उपयोग हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहचानने में करते हैं, इसलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया वस्तुओं का यह गुण है कि वह अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन तब तक नहीं बदलेंगे जब तक उनके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगता। तो चलिए स्केटर के मूव होने का कारण समझते हैं। फिगर 1 में स्केटर रेस्ट में है और उसकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की ही है, इसलिए वह पीछे की तरफ मूव होती है रिलेटिव टू द ट्रक। लेकिन फिगर 3 में स्केटर गति में है और उसकी टेंडेंसी गति में रहने की ही है, इसलिए वह आगे की तरफ मूव होती है रिलेटिव टू द ट्रक। आशा है कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी शिकायत या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार।